हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी एक नाश्ता रेसिपी। और ये नाश्ता बिल्कुल ऑयल फ्री है। वेजिटेबल्स रहने के कारण बहुत ज्यादा ये हेल्दी बनता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है। बच्चे लोग बहुत मजे से खाएंगे, सुबह हो या शाम जब मन चाहे इसे बना सकते हैं। और बच्चे लोग स्कूल के टिफिन के लिए भी ये वाला रेसिपी जरूर बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए झटपट देख लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें लगेगा नॉर्मल वाला ओट्स। ओट्स बहुत तरह का होते हैं, एक डार्क चॉकलेट वाला आता है, एक मसाला ओट्स आता है, लेकिन आपको नॉर्मल वाला व्हाइट जैसा आता है ना वैसे ही आपको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल जैसा ओट्स लिए हैं। हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई बैठा देंगे और गैस के फ्लेम को कर देंगे लो, और इसके ऊपर ना ओट्स को ऐड कर लेंगे। अब एक करछी से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया है और थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो गया है, तो गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस भुना हुआ ओट्स को कुछ देर तक फैन के नीचे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक ठंडा करने के लिए छोड़ दिए थे। 5 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस ओट्स को एक मिक्सिंग जार में लेंगे और इसको बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओट्स को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिए है और ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में रेडी हो गए हैं। अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप जैसा दही। नेक्स्ट इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे, जैसे हम केक बनाते हैं ना, बस वैसे ही, ना पतला ना घना, थोड़ा सा गाढ़ा जैसा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको भी बस ऐसे ही बैटर बना के रेडी करना है और इसको अभी ढक के रख देंगे साइड में 15 मिनट के लिए, और तब तक चले जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट एक कढ़ाई में ले लेंगे 1/2 टेबल स्पून जैसा देसी घी। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जैसा चना दाल, 1 टीस्पून जैसा राई, 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद तिल, 6 से 7 कड़ी पत्ता और लास्ट इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची। अब इन सारे चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये सब अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा साइज का प्याज और 1 बड़ा साइज का टमाटर, 1 कटोरी जैसा पत्ता गोभी ऐड करेंगे। अब इन सारे सब्जियों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ठंडा का सीजन चल रहा है तो आप चाहे तो हरा मटर, गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी ये सब ऐड कर सकते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये नाश्ता। अच्छा, आप सब्जी में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने पहले भी बैटर में नमक ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ऐड कीजिएगा। तो नमक ऐड करने के बाद सब्जी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सब्जियां जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जैसा धनिया पत्ता। ये जो सब्जियां बना रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इसमें हमने चना दाल मिलाया है, कड़ी पत्ता दिए है, धनिया पत्ता, तो सब कुछ मिला के ना बहुत टेस्टी बनने वाला है ये सब्जियां। तो सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, चले जाएंगे बैटर की तरफ। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद बैटर जो है कितना घना हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल केक जैसा होगा, जैसा रिबन गिरता है ना, बस वैसे ही इसका कंसिस्टेंसी रखना है। अब इस बैटर में ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ सब्जी को। आप बैटर के साथ वेजिटेबल्स को अच्छे से मिला लेंगे। तो खूब अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को मैंने ऐसे सीजर से कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे लंबा लंबा शेप में कट कर लिए हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मस्त लगता है। आप सब कुछ और एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करना भूल गई थी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जैसा चिली फ्लेक्स भी ऐड करना है। ये देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर को रख देंगे साइड में। तो आज का ही नाश्ता हम बनाएंगे कटोरी में, तो इसलिए मैं कुछ कटोरी ले ली हूँ और इसके नीचे ना थोड़ा सा ऑयल लेके ग्रीस कर लूंगी ताकि नीचे से चिपके ना। तो यहाँ पे मेरा कटोरा भी रेडी है और ऑपोजिट साइड में मैं एक कढ़ाई में 1 ग्लास जैसा पानी ऐड करके उसमें एक स्टैंड बैठा के इसको एक लीड से ढक दी हूँ 5 मिनट के लिए। और एकदम लास्ट में जब आपका कढ़ाई रेडी है, कटोरा रेडी है, तब इसमें ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून जैसा बेकिंग सोडा। और बस खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे कटोरा में। बैटर को कभी भी एकदम बोल के ऊपर तक मत फिल कीजिएगा, हाफ रखना है क्योंकि ये बाद में और भी ज्यादा फूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बैटर को डाल लिए है हाफ करके। तो मैंने यहाँ पे बैटर के ऊपर से ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए ताकि दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। अब ये बिल्कुल रेडी है स्टीम होने के लिए। और इस साइड में 5 मिनट हो चुका है, कढ़ाई भी प्री हीट हो चुका है। आप एक एक कटोरा लेके स्टैंड के ऊपर बैठा देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट पानी के ऊपर भी बैठा सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएंगे। फिर भी मैं एक स्टैंड के जरिया ले रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेफ होगा।
आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ढक देंगे। तो आफ्टर 10 मिनट्स में कवर को हटा रही हो और आप देख सकते हो ये जो बैटर था ऊपर तक फिल हो चुका है। तो आफ्टर 10 मिनट्स में ये थोड़ा सा कच्चा है, आप देख सकते हो इसमें लगा हुआ है। तो मैं इसको फिर से एक बार ढक दूंगी और मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी। और जो मैंने स्टैंड पे बनाए थे वो भी आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके, क्योंकि इसके ऊपर ना पानी का बूंदे छींटा ये सब नहीं आता है तो जल्दी ये स्टीम हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो मैंने स्टैंड पे बैठाए थे वो वाला नाश्ता जल्दी बना है और जो मैंने डायरेक्ट पानी में बैठाए थे वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों तरफ से दिखाई हूँ, स्टैंड के साथ भी और विदाउट स्टैंड भी, आपका मन मर्जी आप जैसे बना सकते हो, लेकिन दोनों में ही सेम बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो सकता है। तो हम देख सकते हो गाइस यहाँ पे सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो अब ये नाश्ता को ना बिल्कुल ठंडा होना जरूरी है, इसको फैन के नीचे छोड़ दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छूना है, फिर मैं इसको डिमोल्ड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए इस नाश्ते को छोड़ दिए थे, अब 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हो सिंपली हाथ से ये अलग हो रहा है साइड से। और ये देखिए कितना इजीली ये हाथ में आ जाता है, कितना इजी है इसको निकालना, कितना सुंदर ये सॉफ्ट जालीदार बना है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। मेरे जैसा सेम प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आपका भी हेल्दी नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लो फैट वाला ये रेसिपी बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही हेल्दी है, तो जरूर इसे बनाइए। मैं एक छोटा वाला कटोरा में भी बनाए थे तो उसको भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना इजीली निकल जाता है। छोटू वाला ये कटोरा में भी बहुत ही बढ़िया बना है, देखिए नीचे कहीं भी चिपका नहीं है और कितना मजेदार का बना है। ऑयल फ्री है तो आप इसको सुबह शाम जब मन चाहे तब बना सकते हो। मैं इसको एक बादाम की चटनी से सर्व कर रही हूँ, आप इसे सांभर के साथ या फिर कोई भी स्पाइसी मटर पनीर के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही मजेदार का बनता है। और प्लेट को थोड़ा सा और टेम्पटिंग दिखने के लिए साइड में साउथ इंडियन जैसा चिलीज भी रख रही हूँ। सो आई होप आज का ये हेल्दी लो फैट ऑयल फ्री नाश्ता आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, बहुत जन है ऐसा कि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, तो जल्दी जाओ और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन प्रेस करने से मेरा कोई भी वीडियो अपलोड करने के तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना सही था, फिर मिलते हैं नई कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।